नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। गोपालगंज और मोकामा सीट पर चुनाव होंगे। 3 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले ही नीतीश के काफी करीबी, या कह सकते हैं कि इतने करीबी हैं कि इनके बिना नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री कहीं जाते आते भी नहीं है। रणनीतिकार भी माने जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो तथ्य के आधार पर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी का। जी हां, विजय चौधरी जी का। उन्होंने दोनों ही सीटों को लेकर के ये क्या कह दिया, ये तो गजब के दावे कर दिए उन्होंने। क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनिए। नहीं, ये तो जाहिर बात है कि दोनों उपचुनाव महागठबंधन के उम्मीदवार, जो दोनों जगह राजद के उम्मीदवार हैं, दोनों की जीत होगी, क्योंकि लोगों का रुझान ही महागठबंधन सरकार की तरफ है। आखिर आप ही सोच के देखिए, जो कौन ऐसा संवेदनशील बिहारी होगा जो नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और महागठबंधन के प्रति आस्था नहीं प्रकट करेगा। जिस गांव में आप जाइए, आप लोग भी जाइएगा चुनाव कवर करने, जिस भी गांव, जिस भी टोले में जाइएगा, आप कहीं खड़े होकर नज़र घुमा के देख लीजिएगा सरकार की कोई न कोई योजना जिसका लाभ उस टोले, उस बस्ती, उस गांव के लोग ले रहे होंगे, आपको नज़र आ जाएगा। तो भाई, जब लाभ लोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको याद रखते हैं। बिहार की जनता इस बात से जरूर इत्मीनान रहती है कि जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की कमान है, तो जनता का जो भी भला हो सकता है वो कदम उठाए जाते हैं। और महागठबंधन की सरकार तो और मजबूती से चल रही है, कई पार्टियां साथ में हैं, सरकार की मजबूती बड़ी है, इसलिए और ज़्यादा मजबूती से काम हो रही है और इसीलिए और ज़्यादा मजबूत समर्थन भी मिलेगा। तो ये विजय कुमार चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के खासमों खास में से गिने जाते हैं। जब जब सत्ता में नीतीश कुमार जी आए हैं, तब तब इनको कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में जगह मिला है और काफ़ी करीबी माने जाते हैं। गोपालगंज और मोकामा सीट दोनों को लेकर के आखिर जीत होगी तो किस आधार पर होगी, जनता आखिर नीतीश कुमार को क्यों वोट करेगी, ये बातें भी उन्होंने बताई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी गांव, किसी भी प्रखंड, किसी भी टोला में आप जाकर खड़े हो जाइए, वहां पर सरकार की कोई ना कोई योजना दिखेगी ही दिखेगी। तो लोग इतने संवेदनशील है कि निश्चित है कि नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। और जब तक सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में होगी, तब तक जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित कर चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसे में अगर जनता वोट करेगी तो महागठबंधन उम्मीदवार को करेगी, न कि दूसरे वाले उम्मीदवार को करेगी। आप समझ गए होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार की ओर इनका हमला था। उन्होंने कहा कि दोनों जगहों से आश्वस्त रहिए, दोनों जगहों पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी। खैर, इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये तो 3 नवंबर को ही पता चल जाएगा। और कशिश न्यूज आपको हर पल अवगत कराता रहेगा, इसलिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक।